बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। शायद ये जुमला सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम पर बिल्कुल सही फिट बैठता है, क्योंकि उनसे पहले उनके पिता आजम खान कई बार खुले मंच से जिस तरह से बयानबाजी करते आए हैं, लेकिन अब उन्हीं की राह पर बेटे अब्दुल्ला आजम भी चल पड़े हैं और अब सीधा सीधा उन्होंने जो बयान दिया है उससे सियासी पारा हाई हो गया है। अब्दुल्ला आजम ने गुरुवार रात सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा की, जहां उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ खुले मंच से आंदोलन की धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमें जेल ही जाना है तो लड़कर जाएंगे, घर बैठकर नहीं। गौरतलब है कि गवाहों को धमकाने के मामले में अभी हाल ही में आजम खान पर रामपुर में दो नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यानी जिस तरीके से अगर कोई मुखर होकर बोलने लग जाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए मुकदमों का सहारा लिया जाता है, और ये चीज़ खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा चुकी है, जिसमें आजम खान को जब जमानत मिली थी, जब उन्हें सारे मामलों में जमानत दे दी गई थी और रिहाई के लिए बोल दिया गया था और कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें जेल में रखने के लिए लगातार एक के बाद एक मुकदमे लगाए गए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है, इससे न्याय पर से लोगों का भरोसा कमजोर हो जाएगा और आजम खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अब ऐसे में एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम खान ने योगी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो ये मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है तो हम इसको बिल्कुल खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हम खामोश रहकर हार मानने वालों में से नहीं है और ये सरकार को हमारी सीधी सीधी चेतावनी है। अब आजम खान पर रामपुर में जब दो नए मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं जिसके विरोध में अब्दुल्ला आजम ने अब सरकार को ही चुनौती दे डाली है। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि वो दौर नहीं है और उस बर्बादी के लिए हम और आप जो है तैयार हैं पूरी तरीके से। बर्दाश्त की एक कुव्वत होती है और वो कुव्वत अब ख़त्म हो चुकी है, एक इंतहा होती है बर्दाश्त करने की, और जब हमारा मुकद्दर अगर आपने जेल में ही तय कर दिया है तो फिर घर बैठकर नहीं, लड़कर हम जेल जाएंगे। अब्दुल्ला आजम ने अपने भाषण में कहा है कि तमाशा बन गया है, जिसका दिल चाह रहा है वो आता है, तहरीर देता है और FIR दर्ज हो जाती है, और यहीं अगर बात हमारी आ जाती है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। कल तो एक निराली बात हुई जब समाजवादी पार्टी के तमाम लोग गए और मालूम करने की कोशिश की कि आखिर ये क्या हो रहा है, आजम खान पर मुकदमे के मामले में ये सब कैसे हो रहा है, तो जवाब आया कि साहब वो तो बड़े मासूम गवाह लोग थे, आंखों में आंसू लेकर आए, जिसे देखते हुए FIR दर्ज कर ली गई। आजम खान ने कहा कि इतनी रहम दिल पुलिस, इतना एहसास दिल में रखने वाली पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब उस हाथरस की बेटी का पूरा परिवार रो रो कर कह रहा था कि रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए। ऐसे में ये दरिया दिल पुलिस कहाँ बैठी थी, कहाँ था इनका वो रहम वाला दिल जो आज दिखाई दे रहा है, तब ये लोग कहाँ थे, पुलिस का ये एहसास। अब्दुल्ला आजम आगे कहते हैं कि पिछली बार ये सोचकर चुप बैठ गए थे कि शायद ये जुल्म की इंतहा बस यहीं तक है, अपने पैरों को समेटे रखा, लेकिन इस बार वो पैर नहीं सिमटे रहेंगे, हम रामपुर की इंतजामिया से भी मिले हैं और शायद परसों समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी DGP साहब से मिलने वाला है। आज मैं और करीबन सब रामपुर के कुछ जिम्मेदारान और समाजवादी के करीबन 8 से 10 विधायक और सांसद DIG साहब के पास पहुंच गए थे, जहां पर उनसे बात की गई है और उन्हें पूरे हालात और वाक्यात बताए गए हैं। अगले 4 से 5 दिन में इन FIR की सच्चाई भी खुलकर सामने आ जाएगी और फाइनल रिपोर्ट नहीं लग जाती है तब तक इन FIR पर हम इसी तरीके से मुखर होकर बोलते रहेंगे। झूठी FIR करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब्दुल्ला आजम ने सीधा कहा है कि इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, देखो मैं जूते उतार कर चप्पल पहनकर आया हूं कि जहां मौका मिलेगा चप्पल उतार कर वहीं पर धरने पर बैठ जाऊंगा, वादा जिएंगे इंशाल्लाह और वकार के साथ, गैरत के साथ जिएंगे, और कोई शहर का बदनाम और घटिया इंसान रामपुर वालों पर या शरीफ लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और जब रामपुर वालों की इज्जत पर आएगी
तो रामपुर वाले अपने इज्जत के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसे जीतेंगे भी। यानी अब जुल्म और सितम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये साफ तौर पर अब्दुल्ला आजम ने ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि जितना जोर लगाना है उतना जोर आप लोग लगा लीजिए, लेकिन हम बैठ कर हारने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे और इस पूरी लड़ाई को जीतेंगे भी। जिस तरह से आपने पहले हमारे साथ किया, हमने इस वक्त इस वजह से बर्दाश्त कर लिया कि शायद आप लोगों का जुल्म इंतहा यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार हमने चुप रहकर गलती कर दी, अब दोबारा वो गलती हम दोहराएंगे नहीं। और अगर बात इज्जत पे आ जाएगी, हमारी आबरू पे आ जाएगी, तो हम उन सभी लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जो हमें बदनाम करने की और रामपुर में शरीफ लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा सरकार से ये अब्दुल्ला आजम ने कह दिया है कि जो दो FIR ये दर्ज की गई है उन पर जो सच्चाई खुलकर 2 से 3 दिनों के भीतर आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे प्रशासन हम पर कार्रवाई कर रहा है, क्या योगी सरकार उन लोगों पर भी कार्रवाई करेगी जो झूठी FIR दर्ज करवा कर वहां पर आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए, या फिर एक नई साजिश है आजम खान को जेल भेजने के लिए। जिस तरह से पिछली बार वो 22 महीनों के बाद जेल से छूट कर बाहर आए थे और अब फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई हैं, ऐसे में अब्दुल्ला आजम का नाराज होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन गया है और ज़रा सी कोई बात नहीं होती है उस पर FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन जब यही लोग खुद के ऊपर हुए जुल्म को लेकर जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या उन 2 FIR की सच्चाई 2 से 3 दिनों के भीतर खुलकर सामने आ जाएगी, जिसके बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। बाकी नेशन 360 के साथ बने रहिए। जय हिंद।